हाँ जी बच्चों नमस्कार। बच्चों आज असी क्लास 12 दे जेड़े थोनों पेपर आया थोड़ा एग्जाम होया ठीक है 23 तरीक नो मैथ दा उदे MCQ कर रहे हैं ठीक है। पहले भी मैं एक लेक्चर अपलोड कीता उदे च मैं पहले 14 क्वेश्चन कर सकया ठीक है। ते आज मैं कोशिश करदा भी सारे जेड़े 1 मार्क्स दे क्वेश्चन है पहले आज वो कंप्लीट हो जाए, चाहे वो फिलिंग दा ब्लैंक्स है, चाहे जिहड़े 2 रहिंदे सी अपने MCQ ओह होण, ते चाहे बच्चों अपने ट्रू फॉल्स होण ठीक है। ते मैनूं लगदा वी पिछला लैक्चर तुहानूं जरूर पसंद आया होणा, ते हुण वी इह लैक्चर बच्चों देखण तों पहले प्लीज़ तुसीं मेरे चैनल नूं करो सबसक्राइब, ते नाले लाइक जरूर करियो, ते कमेंट करके दस्सियो वी तुहानूं लैक्चर किदां लग्या ठीक है। ते हुण आपां शुरू करदे हां बच्चों इह क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है। If two events are independent, then they must be mutually exclusive. पहली गल बच्चों एक गल चंगी तरह समझ लो, mutually exclusive events ये बिल्कुल अलग कंसैप्ट है, तो independent events बिल्कुल अलग कंसैप्ट है। जड़ियाँ mutually exclusive होंदियाँ जरूरी नहीं वो independent भी होन, तो बच्चों जड़ियाँ events independent होनगियाँ वो जरूरी नहीं क्या बोलो जी mutually एक्सक्लूसिव भी होन, इहदा मतलब है कि ए ऑप्शन तां गलत है ठीक है। सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1, ए भी बिल्कुल गलत है क्लियर ठीक है। तो तीसरा क्या है, ए एंड बी बोथ आर करैक्ट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया ठीक है। तो नन ऑफ द अबव इज करैक्ट, ये सही है। देखो बच्चों जिहड़ियां ईवेंट्स होंदियां ना इंडिपेंडेंट, उन्होंने खास गल क्या होंगी, खास गल है कि उन्हां च पी ए इंटरसैक्शन बी इट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ठीक है। इफ इवेंट्स आर, हाँ इफ इवेंट्स आर क्या बोलो जी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ठीक है। तो दूजी गल बच्चों एक होर है कि जे अपने को पी ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो गए ठीक है, दैन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है। क्या बोलो जी, दैन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्लियर जी गल ठीक है। तो ए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आल सर्कल्स ऑफ गिवन रेडियस ए इज, देखो मैं तुम्हें गल दसदा कि जिहड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है ना वो इस गल ते डिपेंड करता कि जिहड़ा उहदा सोल्यूशन है क्लीयर, जां जिस तों डिफरेंशियल इक्वेशन ने बनना क्लीयर है उहदे विच किन्ने आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट्स है क्लीयर। हूँ जे मैं सर्कल की क्वेश्चन देखा, हूँ मान लो ये सर्कल है ओके, तो इहदा सेंटर मान लो मैं लैंदा एच के ठीक है, रेडियस मान लो आर है सपोज करो दा ठीक है। तो सर्कल की क्वेश्चन आएगी अपने को एक्स माइनस एच का होल स्केयर क्लीयर, वाई माइनस के का होल स्केयर इट इज इक्वल टू आर स्केयर क्लीयर है। सानू इत्थे रेडियस ए गिवन है, तो देयरफोर ए बन गई इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर इट इज़ इक्वल टू ए स्केयर, एंड जोड़ा ए है ना ये गिवन है, जे गिवन है तो इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ जस्ट कॉन्सटेंट, इट इज़ नोट आर्बिट्री कॉन्सटेंट, ये ख्याल रखियो। जो ए है ना वो एक फिक्स नंबर है जो भी गिवन होएगा ठीक है, ये जस्ट कॉन्सटेंट होएगा पर ए आर्बिट्री कॉन्सटेंट नहीं होना। हुण इहदे दो को आर्बिट्री कॉन्सटेंट पैरामीटर्स है, पैरामीटर कह लो जां कह लो आर्बिट्री कॉन्सटेंट्स ठीक है, एक एच है एक के है। जदों इक्वेशन दे विच क्लीयर दो होण आर्बिट्री कॉन्सटेंट्स, तो जिहड़ी उस तों बनेगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उहदे विच दो होने, क्या बोलो जी उहदा ऑर्डर किन्ना जी दो होना, किन्ना जी दो ठीक है। देखो इन दिस इक्वेशन देर आर टू आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट्स,
ए नो पा ए जस्ट कॉन्सटेंट है, इट इज नोट आर्बिटरी कॉन्सटेंट। ठीक है क्लीयर। इतने एच दे के दीज आर टू आर्बिटरी कॉन्सटेंट्स, जिहड़ी भी इस इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उदा बच्चों ऑर्डर भी टू होना। हाँ ठीक है, तो ए किन्ना आंसर आएगा, ए टू। क्लीयर, मतलब एक गल याद रखियो, जे डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना ऑर्डर टू हो तो उदे सोल्यूशन दे विच दो आणगे आर्बिटरी कॉन्सटेंट्स। ठीक है, तो जे कोई इक्वेशन जिस तो बनानी आपां ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी, ठीक है क्लीयर, जे उस इक्वेशन दे विच दो होण आर्बिटरी कॉन्सटेंट्स तो जिहड़ी उस तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उदा ऑर्डर दो होएगा। ठीक है जी, आंसर टू इज करैक्ट, आई थिंक क्लीयर। ठीक है, हुण नैक्सट क्वेश्चन देखो, ए आर फिलिंग द ब्लैंक्स विद गिवन ऑप्शन, सो सिंपल। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ, थोड़ा मैं थोड़ा बड़ा कर लेना ताकि तुम दिखाई दे ले। ठीक है, आ देखो, हुण देखो द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्सटेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। हूँ ही बच्चों पर देखा, देखो जदों असी डिफरेंशियल इक्वेशन करते ना सोल्व, तो जदों दा फाइंड आउट करते अपना जनरल सोल्यूशन, तो बच्चों जनरल सोल्यूशन दे विच उतने ही आर्बिट्री कॉन्सटेंट्स आंदे किन्ने जी, जिन्ना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होंगे। इतने बच्चों गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किन्ना जी, फोर है, किन्ना जी फोर, तो ये सोल्यूशन किन्ने बोलो जी फोर आने, एंड ए दिस ऑप्शन ये फिल करोगे इतने। ठीक है, अच्छा इन ए एल पी पी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज आलवेज, द फंक्शन इज आलवेज। हूँ देखो एक बड़ी स्पष्ट गल है बच्चों, भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम्हें पता क्या होंगे, क्या बोलो जी, देखो जिदा देखो ये है आप करते मैक्सीमाइज, तो देखे होना मैक्सीमाइज जेड इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई, जो मान लो एग्जाम्पल ले लिए अपना है, तो बच्चों ये एक्स से वाई की डिग्री हमेशा एक आती, एक्स से वाई डिग्री एक, मतलब ए फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, क्या है लीनियर। तो बच्चों लिखा इन एल पी पी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज, आ देखो लीनियर, ऑलवेज लीनियर। ठीक है जी, अच्छा इफ ए एंड बी बी टू इवेंट्स इफ पी ए और बी इक्वल टू पी ए, देखो मैं तुम्हें गल दसा बच्चो एक बड़ी स्पष्ट गल है, तुम देखियो भी जे थानू ये पता हो, देखो पी ए ओवर बी ए क्या है ते नाले पी ए, ठीक है इहदा मीनिंग क्या है, इहदा मीनिंग है, हाँ जी बच्चों देखो इफ पी ए ओवर बी इज इक्वल टू पी ए होवे, इहदा मीनिंग क्या है, पहले देखो इहदा मीनिंग क्या है, ए इहदा मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्लीयर, तो इहदा मीनिंग क्या है पी ए ओवर बी, क्लीयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वैन बी इज ऑलरेडी हैपनड, वैन बी इज ऑलरेडी हैपनड। देखो इतने पता नहीं बी हैपन हुई या नहीं हुई, बिना बी हैपन जो बी मतलब बी सपोज करो हैपन नहीं हुई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, तो ए आफ्टर हैपनिंग ऑफ बी, ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इहदा मीनिंग क्या होया, मीनिंग होया भी बी दे हैपन होने तो बाद भी ए दी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई, इहदा मीनिंग होया भी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हुण देखो किन्ना आया, दिस मीनस के ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दीज आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ बी। ठीक है, डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन, हुण डिग्री लभनी आपां ने, देखो एक डिग्री क्या होंगी थोड़ा मैं गल दसदा, तुसीं देखो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होंगी जिहदे विच थोड़े कोल क्या हो, जिस इक्वेशन दे विच डेरीवेटिव हो, ठीक है क्लीयर, तो हुण देखो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच डेरीवेटिव, देखो डेरीवेटिव जो होने तो उहदे विचों एक होना थोड़ा इंडिपेंडेंट वेरीएबल, एक होएगा डिपेंडेंट वेरीएबल, जिदा इस इक्वेशन दे इस डिफरेंशियल इक्वेशन दे विचों जिहड़ा एक्स है तुसीं जिहदे नाल डिफरेंशिएट कर रहे हो ओके वह है इंडिपेंडेंट वेरीएबल, जिहड़ा बच्चों वाई है जिहनूं कर रहे हो वह है डिपेंडेंट वेरीएबल। ठीक है, तो तुसी देखो भी डिपेंडेंट वेरीएबल इंडिपेंडेंट वेरीएबल नाल वध तो वध किन्नी बार डिफरेंशिएट होया, जिन्नी बार होया वह उहदा ऑर्डर है, देखो इत्थे दो बार होया वध तो वध, ठीक है जी, उहदा ऑर्डर दो होएगा। ठीक है,
उस तो बाद क्या है तो देखो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जितो तुम ऑर्डर पढ़ रहे हो ओके उदी पावर देखो उदी पावर देखो जेडी उदी पावर है ना वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। फिर सुन लो थोड़ा ख्याल रखियो इस गल का हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जा ये देखो कि जेड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल है बद तो बद इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाल किन्नी बार डिफरेंशिएट होया जिन्नी बार डिफरेंशिएट होया ना क्लीयर ओ बच्चों उदा ऑर्डर है जितों तुसी ऑर्डर पढ़ रहे हो ओके क्लीयर मतलब हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट दी पावर ओ बच्चों डिग्री है भी गल का ख्याल रखियो डिग्री पढ़ने लग्या एक गल का ख्याल रखियो भी ओ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलीनोमियल इन डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ठीक है मतलब डेरिवेटिव होनी चाहिए पॉलीनोमियल ये तो पॉलीनोमियल है ही है तो सो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दी पावर टू है तो बच्चों ए टू तो लगे पता भी इसकी डिग्री कितनी है जी टू है वैसे इसका ऑर्डर भी टू है हाँ ठीक है अगे नैक्सट देखो क्लीयर हाँ देखो इतने टू ऑप्शन फिल कर देनी ठीक है अपने नैक्सट देखो अगला क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स टू बाय रूट थ्री देखो जी हाँ देखो सीकेंट इनवर्स टू ओवर जो थोड़ी थोड़ी जी मुश्किल आवे ना सीकेंट च तो तुसी क्या करना कोस इनवर्स कर दियो ते अगे अंदर जो एंगल है उन्हों भी उल्टा दियो क्लीयर जी ये आ गया स्केयर रूट टू स्केयर रूट थ्री बाय टू हुण तुसी ये देखो पी स्केयर रूट थ्री बाय टू कोस किस एंगल पर वैल्यू अटेन करता किहड़ी पर करता हाँ 30 डिग्री पर बिल्कुल सही बोलिया तो 30 कितना होता जी पाई बाय सिक्स तो यह आंसर कितना बोलो जी पाई बाय सिक्स है पाई बाय सिक्स तो देख सकते ऑप्शन होएगी पाई बाय सिक्स आ देखियो ये अपने को पाई बाय सिक्स क्लीयर जी गल ऑप्शन है ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन अगला इफ ए डायगनल फोर टू वन देखो जो ए मैट्रिक्स है ना इट इज़ ए डायगनल मैट्रिक्स ए डायगनल मैट्रिक्स है एक्चुअली ए है कि यह है फोर जीरो जीरो कि जी जीरो टू जीरो अगे जीरो जीरो वन ए इनू छोटा करके इधर लिखा हुआ डायगनल क्लीयर तो नाल कि जी फोर टू वन क्लीयर हाँ जी तो थानू पता भी डायगनल मैट्रिक्स का जो आप लेंगे डिटरमीनेंट तो कि आता वह आता प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलीमेंट्स ओके तो निकालना आप क्या डिटरमीनेंट ऑफ ए तो यदि कड़ो प्रोडक्ट फोर इंटू टू एट एट इंटू वन एट तो एक ना आ गया अपने को इट इज़ इक्वल टू एट ऑप्शन होएगी पक्का आ देखो ऑप्शन एट क्लीयर जी आई थिंक इट्स क्लीयर कोई दिक्कत नहीं कर इफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स दैन डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर देखो एट एक्स इक्वल पाई बाय टू सिंपल जहा क्वेश्चन है आ देखो तुम वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लिया बिल्कुल सही गल है हाँ जी फिर डी वाई ओवर डी एक्स लिया कि जी ये आ गया अपने कोस एक्स तो तुम उस तो बाद क्या लिया डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर कि आ गया ये आ गया अपने को माइनस साइन एक्स अगे एट कि जी एक्स इक्वल टू पाई बाय टू डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इट इज इक्वल टू माइनस वन इट इज इक्वल टू माइनस वन सिंपल क्वेश्चन है तो सो इतने ऑप्शन क्या आ गई बोलो जी हाँ जी बोलो इतने ऑप्शन आ गई अपने को माइनस वन तो क्या देखो पिछले ऑप्शन है आ देखो माइनस वन क्लीयर जी गल अगे देखो सारे हो गए ठीक है हूँ नैक्स कितने क्वेश्चन आ गए अब हाँ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस ये क्वेश्चन देखियो ध्यान कि आप हल करना थोड़ा ये कर लव आ देखियो असी निकालना नॉर्मल ठीक है क्लीयर हूँ एक क्वेश्चन देखियो भी वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्केयर प्लस थ्री साइन एक्स अपन निकालना क्या एट एक्स इक्वल टू जीरो पर इस स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व ठीक है तुसी पहले इनू करो डिफरेंशिएट एक गल पक्की है कि थानू पता वट इज डी वाई ओवर डी एक्स बच्चो डी वाई ओवर डी एक्स इज नथिंग बट इट इज हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लीयर तो ये अपने को आ गया फोर एक्स प्लस कि जी थ्री कोस एक्स क्लीयर तो देयरफोर पहले देखो
स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना है ना एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये आएगा अपने को डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गया अपने को डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, करो पुट जीरो, आ देखो कितना जी कितना जी जीरो, क्यों फोर इंटू जीरो तो प्लस थ्री इंटू कोस जीरो ये वन एंड इट थ्री वन इंटू थ्री ये आ गया अपने को थ्री, तो देयर फोर दो मिनट है ना कितना है अपने को ये आ गया अपने को देखो फोर इंटू जीरो जीरो प्लस थ्री इंटू वन थ्री, तो ये आ गया अपने को थ्री, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। असी निकालना क्या, अपने निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो सानू पता एक गल याद रखियो बच्चों, जे थानू किसी लाइन का स्लोप पता हो ना स्लोप पता हो क्लीयर, तो थानू उस हर थानू उस हरेक लाइन का स्लोप पता जिहड़ी जा उहदे पैरेलल है तो जा उहदे नॉर्मल है। देखो मान लो ये मान लो लाइन है ठीक है क्लीयर, चलो भाई देख लें ये लाइन है, मान लो ये लाइन का स्लोप मान लो थ्री है सपोज करो ठीक है जी, तो जिहड़ी भी लाइन दे होनी ना पैरेलल ठीक है उन्हां सारयां दा स्लोप थ्री होना, क्योंकि सानू पता इफ लाइनज आर पैरेलल दैन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अच्छा बच्चों इफ लाइनज आर परपेंडिकुलर तां क्या होंदा, दैन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा इहदा स्लोप थ्री हो गया, जिहड़ी लाइन इहदे क्या होनी परपेंडिकुलर क्लीयर, उहदा स्लोप किद्दां कढ़ना वह निकालना अपन ने, तुसीं इह थ्री नूं उलटाओ ये आ गया वन बाय थ्री, तो नाल साइन चेंज कर दिओ, मतलब स्लोप देखो जे तो लाइन उहदे पैरल है तो स्लोप लाइन वाले आ गया ठीक है, जे लाइन तुसीं इस लाइन का स्लोप मान लो थ्री है, जिहड़ी लाइन के पैरल है उहदा स्लोप किन्ना बोलो जी थ्री आना, किन्ना आना थ्री आना, ये क्लीयर है ये हरेक लाइन का स्लोप थ्री है, पर जिहड़ी लाइन इन्हां दे क्या आनी बोलो जी परपेंडिकुलर, तुसीं करना क्या इस लाइन दे स्लोप नूं उलटाओ वो आ गया वन बाय थ्री, तो नाल साइन चेंज करते हो वो आ गया अपने को माइनस वन बाय थ्री, एंड इतने कितना बोलो जी इट इज़ इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, ये ऑप्शन आनी माइनस वन बाय थ्री, ऑप्शन खैर है भी है आ देखो माइनस वन बाय थ्री, क्लीयर जी गल, कोई डाउट बच्चो किसी नूं ठीक है, ये अपने अठ के अठ क्वेश्चन हो गए। हाँ जी बच्चो हुण असीं करन लगे हैं अठ क्वेश्चन जिहड़े ट्रू फॉल्स है, सो सिंपल आ देखियो किदा, पहले देखो इफ ए एंड बी, देखो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दैन ए एक्चुअली कंप्लीमेंट है, मतलब नोट ए इवेंट है, कड़ी इवेंट है नोट ए एंड नोट बी ये भी कंप्लीमेंट है ठीक है, आर आलसो इंडिपेंडेंट। अच्छा एक गल ख्याल रखियो मैं तुम गल दसदा, जे ए ते बी होना इंडिपेंडेंट दैन ए कंप्लीमेंट बी, बी इंडिपेंडेंट होंगे ठीक है, दैन ए तो बी कंप्लीमेंट बी इंडिपेंडेंट होंगे, तो बच्चों ए कंप्लीमेंट तो बी कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे ठीक है, मतलब कंप्लीमेंट मतलब नोट ए, एक होंगी बच्चों ए इवेंट एक होंगी नोट ए इवेंट ठीक है क्लीयर, तो ए अपना पहला क्या आ गया बोलो जी इट इज़ ट्रू नो डाउट, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट पी इज वैक्टर हूज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजन। वैसे भी तुम्हें पता भी एक पॉइंट लिया आप स्पेस के उपर जो आपू ज्वाइन करते ना ओ नाल ओरिजन नाल, तो फ्रॉम ओ टू पी यही होंगे पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी ठीक है, तो ठीक है इसका इनिशियल पॉइंट क्या बोलो जी ओरिजिन होंगे ठीक है, ये भी ट्रू है बिल्कुल ट्रू है। अच्छा ये थोड़ा पता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटैग्रल कैलकुलस है, इतने बच्चों थोड़ा पता जो आप पुट करते हैं तो होंगी अपर लिमिट हाँ जी माइनस लोअर लिमिट, इतने प्लस है इसका मतलब भी ये स्टेटमेंट क्या है ये फॉल्स है, क्या जी फॉल्स। नेक्स्ट इंटैग्रेशन इज ए प्रोसैस ऑफ इनवॉल्विंग लिमिट्स, बिल्कुल बच्चों एक्चुअली हम थोड़े सिलेबस ना एक टॉपिक कट हो गया उन्होंने बोलते अपना लिमिट ऑफ ए सम लिमिट है ठीक है लिमिट ऑफ ए सम, एक्चुअली इंटैग्रेशन बिच लिमिट बिल्कुल यूज होंगी बेसिक कंसैप्ट ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बोलो जी ट्रू है क्लीयर। अच्छा एम्प्टी रिलेशन इज द रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स, देखो जी ये रोंग स्टेटमेंट है फॉल्स है क्लीयर, एक्चुअली एम्प्टी रिलेशन होता फाई ठीक है, जिहड़ा जिहड़ा रिलेशन एक्स पर होंदा ना एक्स क्रॉस एक्स है ना एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स होंदा बच्चों वो होंदा यूनिवर्सल रिलेशन, ए एम्प्टी रिलेशन नहीं है इट इज यूनिवर्सल रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होता फाई, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या बोलो जी फॉल्स है। अच्छा ए आई जे इज ए रो मैट्रिक्स, थोड़ा पता देखो बड़ी सिंपल ही गल है भी थोड़ा पता मैट्रिक्स क्या होंगे
मैट्रिक्स में बच्चो ये जस्ट अरेंजमेंट है ना, ये कुछ रोज़ होंगे कुछ कोलम होंगे, ठीक है। देखो जेडे रोज़ तो कोलम जे इक्वल होन तां हुंदा बच्चो स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जे रोज़ तो कोलम इक्वल ना होन तां वह हुंदा बच्चो रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जे किसी मैट्रिक्स में जस्ट वन रो हो, जस्ट वन रो कोलम जिन्हें मर्जी होन तो उन्हें बोलते आप रो मैट्रिक्स। तो जे किसी मैट्रिक्स जस्ट वन कोलम हो, रो जिन्नी मर्जी होन तो उन्हें बोलते आप कोलम मैट्रिक्स। तो ये देखो ये एम बाई एन है, क्लीयर, इतने एम इक्वल टू वन है, क्लीयर, मतलब एक रो है, इज रो मैट्रिक्स। ये बच्चों बिल्कुल क्या बोलो जी, ट्रू है, क्या है, ट्रू। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये बिल्कुल रोंग स्टेटमेंट है। क्यों? आप कल देखा था कि जो ए फंक्शन है ना, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड, ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड, ये जीरो पर कंटिन्यूस है, क्योंकि यू कैन ड्रा इट, है ना, तुसी बिल्कुल बिना पेन चक्के ड्रा कर सकते, ठीक है, ओके। ये कंटिन्यूस है पर जीरो पर ए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इस करके गलत स्टेटमेंट है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब पता क्या है, मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब कुछ कंटिन्यूस फंक्शन इदा होंगे जेडे कंटिन्यूस तो होंगे, कुछ फंक्शन बच्चों इदा के होंगे जेडे कंटिन्यूस तो हो गए, जिदा ये फंक्शन है पर डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, ठीक है। पर ये उल्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है, क्लियर, हाँ ये ख्याल रखियो। ये स्टेटमेंट क्या बोलो जी, फाल्स है, हाँ थोड़ा जो इदा आ जाए, क्या बोलो जी, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री देन ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बच्चों ये भी फाल्स स्टेटमेंट है, साफ लगता पता, तो मैं गलत दसदा, उसका कारण क्या है, आ देखो उसका कारण यह है कि अपने को देखो ध्यान नाल, ए कितना, ए है अपने को ए वन टू थ्री, क्लीयर, तुम थोड़ी लोड नहीं हल करनी, वैसे इनू ए ट्रांसपोज जो आना ना वो आएगा अपने को वन टू थ्री। हुण तुसीं गल देखो जिहड़ा ए ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा, क्लीयर, उदा जिवें इहनूं हल करां तां ए अपने कोल आएगा अपने कोल वन प्लस फोर प्लस नाइन, क्लीयर जी, ये आ गया थर्टीन, एक्चुअली ये मैट्रिक्स है वन वन बाय वन का, ठीक है। तो देखो उदा भी देखो जिहड़ा ए मैट्रिक्स है ये किन्ने आर्डर का, ये वन बाय थ्री का, जिहड़ा बच्चों ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वह किन्ना जी, थ्री बाय वन का, तो जिहड़ा ए ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा वो डेफिनेटली किन्ना बोलो जी, उदा ऑर्डर होएगा अपने कोले जिहड़ा अपने कोले ए ए ट्रांसपोज जिहड़ा मैट्रिक्स आएगा उदा डेफिनेटली ऑर्डर किन्ना होएगा, वन बाय वन होना, वन बाय वन, तो ए तुहानू पता वन बाय थ्री है, क्लीयर। तो ए स्टेटमेंट भी क्या बोलो जी, फाल्स है, क्या जी, फाल्स। मेरे ख्याल थोड़े सारे क्वेश्चन समझ आ गए होने, क्लीयर, तुम चंगी तरह देखो कंसैप्ट देखो, तो बच्चों मेरे हाँ चैनल जरूर सबसक्राइब करो, तो वीडियो में लाइक करो, क्लीयर, तो अपने कमेंट दसो कि थोनों कि लैक्चर लग्या। मैं हूँ बाकी क्वेश्चन नैक्सट लैक्चर हूँ मैं शुरू कराँगा, पहले टू मार्क्स के क्वेश्चन, फिर फोर मार्क्स के क्वेश्चन, तो फिर क्या बोलो जी सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, आने वाले दिन पक्का हल करूँगा, तो ताकि थोड़े फाइनल के 80/80 मतलब जो थ्री का पेपर है 80 बच्चों 80 नंबर आने, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नेक्स्ट डे, बाय बाय।